खूबसूरती की हर हद पार कर देगा ये मुल्तानी मिट्टी से बना फेस पैक। इसे लगाने से चेहरा कभी भी काला नहीं होगा। हेलो टू माई ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वंडरफुली वेल। मुल्तानी मिट्टी का यूज तो सभी लोग करते हैं, लेकिन इस तरीके से मुल्तानी मिट्टी का यूज करने से आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। मुल्तानी मिट्टी काफी टाइम से यूज किया जाने वाला इंग्रेडिएंट है, लेकिन लोगों को इसका सही यूज करने का तरीका नहीं पता होता, इसलिए इसके अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिल पाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मुल्तानी मिट्टी का सही इस्तेमाल आप कैसे कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं। पहले हम यहाँ पर लेंगे मुल्तानी मिट्टी, जैसा आप चाहें वैसे आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी के कुछ टुकड़े लिए हैं, अगर आपके पास मार्केट बेस्ड पाउडर है तो आप वो ले लीजिए। मुल्तानी मिट्टी के कुछ टुकड़े लेकर यहाँ पर मैंने इसका पाउडर बना लिया था। गाइस, मुल्तानी मिट्टी हमारी त्वचा को ठंडक देती है, हमारी स्किन में चमक लाती है और इसको लगाने से स्किन मुलायम हो जाती है और चमकदार बनती है। मुल्तानी मिट्टी एक एंटीसेप्टिक होती है जो स्किन को क्लियर करने में हेल्प करती है। इससे स्किन पर पिंपल्स नहीं होते, ना ही ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स होते हैं। मुल्तानी मिट्टी लेने के बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट इसमें ऐड करना है रोज वाटर, गुलाब जल। गुलाब जल हमारी स्किन में नेचुरल शाइन देता है, क्योंकि हमारी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है। जब हमारी स्किन का पीएच लेवल अच्छा रहता है, मेंटेन रहता है, तो हमारी स्किन भी ग्लो करती है और काफी खूबसूरत दिखाई देती है। गुलाब जल लगाने से हमारी त्वचा मॉइस्चराइज रहती है। गुलाब जल स्किन में डीपली जाकर स्किन के अंदर की इनर हेल्थ को बनाए रखता है और स्किन को अच्छा हाइड्रेशन भी देता है। अगर आपके डार्क सर्कल हैं, गुलाब जल को लगाकर इनको आप ठीक कर सकते हैं। तो जी, आपको क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी में आप भरकर गुलाब जल डाल दीजिए, जितना आपको इसको मिलाने के लिए चाहिए होगा। गुलाब जल डालने के बाद इन दोनों चीजों को आप अच्छे से मिला लें। काफी अच्छे से इसको मैंने मिलाया ताकि इसमें लम्स गांठे ना बने और एक स्मूथ सा फाइन पेस्ट बन जाए। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे आमंड ऑयल, बादाम का तेल। मैंने यहाँ पर रोगन बादाम शीरीन बादाम का तेल लिया है जो काफी प्योर होता है और इसको खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बादाम का तेल स्किन के लिए मैजिक होता है, वो इसलिए क्योंकि बादाम के तेल में विटामिन ई होता है। इसमें काफी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे स्किन सेल्स को रिपेयर करने का काम करते हैं, साथ ही उनको हेल्दी रखते हैं। बादाम का तेल इतना लाइट होता है कि ये स्किन के अंदर काफी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन को नमी देता है। ऑल ओवर इसको लगाने से स्किन हमेशा यूथफुल जवान दिखती है। एक चम्मच बादाम का तेल मुल्तानी मिट्टी के इस पेस्ट में मैंने डाल दिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये पेस्ट जो हमने बनाया है, आप चाहे तो इसे आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं और अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरीके से कोई भी एक छोटा बॉक्स ले लेना है। और ये जो पैक हमने बनाया है, आप इस पैक को अच्छे से इसमें एक सार करके डाल दीजिए और इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा, तो आप इसे ठंडा ठंडा अपने फेस पर इस तरीके से यहाँ पर साबुन की तरह लगाएं। जब आप इसको अपनी त्वचा पर ठंडा ठंडा लगाएंगे तो इससे स्किन के पोर्स मिनिमाइज होंगे और उनमें से गंदगी निकल जाएगी। ये हमारी त्वचा पे कूलिंग इफेक्ट देता है, जिससे हमारी त्वचा पूरे दिन भर खिली हुई रहती है। साथ ही मेकअप करने के बाद भी चेहरा डल नहीं पड़ता है। इसे लगाने के बाद हाथों से 2 से 3 मिनट आपको स्क्रब कर लेना है ताकि डेड सेल्स भी निकल जाए, और इसके बाद 10 मिनट इसे स्किन पर छोड़ देना है। आफ्टर 10 मिनट्स आप नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लीजिए। बिलीव मी गाइस, अगर इस तरीके से आप मुल्तानी मिट्टी का यूज करते हैं, आपकी स्किन हमेशा यंग, टाइट और चमकती नजर आएगी। तो ट्राई जरूर करिएगा। आई होप आज की आपको सिंपल सी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।